ये जल्दी में हुआ और छोटा प्रोग्राम हुआ है, लेकिन शानदार प्रोग्राम हुआ है। तारानगर की जनता को तारानगर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारानगर में डीएसपी कार्यालय का उद्घाटन, पहला डीएसपी होगा ओम प्रकाश गोदारा, विधायक नरेंद्र बुडानिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि रहा मौजूद। बड़ी तारानगरी कानून व्यवस्था में सुधार की तमाम जनप्रतिनिधियां व अधिकारियां कई धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीमान एमएलए साहब का कि उन्होंने जनता की भावनाओं के अनुरूप सीओ कार्यालय खुलवाने के लिए श्रम किया और उनकी मंशा को समझते हुए राज्य सरकार ने तारानगर में सीओ ऑफिस खोला। ऑफिस खोलने का अपना एक अलग महत्व है। महत्व इसलिए है कि लोकतंत्र में जितना विकेंद्रीकरण होगा, आपको अब कोई काम के लिए तारानगर राजगढ़ जाना पड़ता था या चूरू जाना पड़ता था, अब आपका वो काम तारानगर में होगा तो सबको फायदा होना ही है। इसमें जनता का भी फायदा है, हमारा जो लोअर स्टाफ है सबका फायदा है। श्रीमान ओम जी गोदारा को यहाँ पे कार्यभार दिया गया है, मैं उनसे भी आशा करूँगा कि वो क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और अपराधों को नियंत्रण करने में सक्षम अफसर हैं, अच्छे से काम करेंगे। एसडीएम मैडम से मेरा निवेदन रहेगा कि चूंकि ऑफिस नया खुला है, उसको सेटल करने के लिए शुरू में हमको जमीन की आवश्यकता रहेगी, तो मैडम आपसे निवेदन है कि कोई उचित जमीन शीघ्र अलॉट करने का प्रयास ऐसे तो साथ ही आप भी करें ताकि एक अच्छे से ऑफिस एस्टेब्लिश हो जाए और रन हो जाए। मेरी तरफ से जैसे एडिशनल सर ने कहा, मैं मेरी तरफ से पूरा सहयोग करूंगी नए कार्यालय का भवन खुलने में, नई जगह ढूंढने में, पूरा सेटअप तैयार करने में मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। ग्रामीण और शहर की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस सौभाग्य की घड़ी में आप सब लोग उपस्थित आए। मैं बुडानिया साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बुडानिया साहब ने जो पुलिस प्रशासन के लिए हिदायत की है, मैं तारानगर तहसील की जनता को और बुडानिया साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं बात कही है उसके ऊपर खरा उतरूंगा। तारानगर की जनता को तारानगर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको मालूम है कि कोविड के अंदर सबसे बड़ा इसकी जिम्मेदारी किसी की होती है, तो ये स्टेज पर बैठे हैं हमारे अधिकारी वर्ग और विशेष तौर से पुलिस, इनकी जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, अपने लोगों को कोरोना से बचाना, उनको शिक्षित करना, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो उसका ख्याल रखना, ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मुझे ये कहा गया ये पुलिस का प्रोग्राम है, इसलिए सीमित संख्या में ही लोग होने चाहिए, 50 लोग निर्धारित हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जल्दी में हुआ और छोटा प्रोग्राम हुआ है, लेकिन शानदार प्रोग्राम हुआ है, एक शानदार काम के लिए हुआ है।